अरे गिल्लू भाई, क्या मस्त आइडिया दिया तूने भाई। मैंने ना अपनी गुल्लक घर के पास वाले गार्डन में ना एक पेड़ के नीचे गड्ढा करके उसमें दबा दिया है। अब मेरी छिपकली जैसी बहन वो गुल्लक कभी नहीं ढूंढ पाएगी और वो सारे पैसे मेरे। ये थैंक यू भाई वो आइडिया देने के लिए। चलो मैं फोन रखता हूँ, कहीं वो छिपकली जैसी बहन सुन ना ले मेरा आइडिया। अच्छा बच्चू, तो ये सुअर मेरे गुल्लक के सारे पैसे हड़पना चाहता है। मैं भी देखती हूँ कि मेरे पैसे कैसे चुराता है। सुअर कुत्ता कहीं का, कुत्ते मेरी गुल्लक कहाँ छुपाई है तूने? अरे चिपकली, आज तो बिल्कुल बंदरिया लग रही है, ऐसे गुल्लक ढूंढते हो। रुक, तेरी फोटो ले तो रुक। कुत्ते चुपचाप बता दे मेरी गुल्लक कहाँ छुपाई है तूने? अरे पागल, गुल्लक तो घर पे ही रखी है अलमारी में, जहाँ तूने रखी थी। ये तो मैंने तेरे साथ प्रैंक किया था जिसमें तू फंस गई। सुंदर कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी तो रो कभी। बस बहुत हो गया, आज इस गुल्लक का बंटवारा कर ही देते हैं। यही रुक। अबे ओ, ये मेरी गुल्लक है, तुझे क्यों दूं पैसे? मैं और लंगूर की शक्ल के खजूर, घुसा मारूंगी ना बोलेगा और मार। तेरे पैसे मतलब इसमें मेरे भी पैसे हैं, दोनों के पैसे इस गुल्लक में। दोनों के है ना? ठीक है, तो जब गुल्लक फूटेगी तो आधे आधे बांट लेंगे। ठीक है, तो इसे आज ही फोड़ देते हैं। अरे मैं फोड़ता हूँ फिर। ठीक है, अभी फोड़ता हूँ। 610, 611 और ये हुए पूरे 612। हमारी गुल्लक में 612 रुपए निकले हैं। 612? कुत्ते जब मैं सो जाती हूँ तो गुल्लक में सेफ्टी पिन डाल के मेरे पैसे चुराता है, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे तेरी कसम, मैं कोई सेफ्टी पिन डाल के पैसे नहीं निकालता था, मैं तो कंपास डाल के पैसे निकालता था। अम्मा तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरे मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे। एक मिनट चुप हो जाओ, जब देखो लड़ते रहते हो। अब क्या हो गया? पापा हम गुल्लक के पैसों का बंटवारा कर रहे हैं। एक मिनट, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। पापा हमारे पैसों का क्या कर रहे हो? बेटा जब तक ये पैसे घर में रहेंगे तुम लोग ऐसे ही खर्च करते रहोगे, अगर तुम्हें ये पैसे बचाने हैं तो बैंक में जमा कर दो। अरे लेकिन पापा हमें हमारे पैसे वापस चाहिए होंगे तो? बेटा तुम्हारा बाप बैंक में मैनेजर है, जब जरूरत हो आके निकाल लेना, मैं चलता हूँ। पापा, अरे पापा भाई अब क्या करें, पापा तो हमारी मेहनत की कमाई भी ले गए। मेहनत की कमाई? और नहीं तो क्या, रिश्तेदारों की सेवा कर करके जो हम पैसे कमाते थे वो सारे ले गए। बहन अब तो बस एक ही तरीका बचा है अपने पैसे निकलवाने का। क्या? बैंक हाईजैक। हाँ भाई चल चल, जाके अपने 612 रुपए वापस आते हैं। चल बहन चल। चल बहन, आज अपने पापा का बैंक हाईजैक करके अपने पैसे वापस ले लेते हैं। भाई चल चल। एक मिनट भाई, अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो? अबे तू भी ना एक नंबर की डफर है। रुक, ये ले कैप पहन जल्दी से। पर भाई अब भी किसी ने पहचान लिया तो? अरे रुक तो जा, सबर रख। लगा अपने मुंह पे। सही है भाई, अब मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। चल चल। एक मिनट, पर तुझे कोई पहचान लेगा तो मैं रुक। चल भाई अब हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। एक मिनट भाई, हम पे तो कोई गन भी नहीं है। अरे यार तू भी ना बिल्कुल डफर है। रुक, ये देख भाई, अभी भूख नहीं लगी, तू पहले आइडिया बता। खरबूजे के बैक्टीरिया, 2 मिनट का सबर तो कर ले। ये पकड़।
अब किसी को पता ही नहीं चलेगा हमारे पास गन है या नहीं। अब सबको लगेगा हमारे हाथ में गन है। डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। चल भाई अपने 612 रुपए लेकर आते हैं। हाँ इस मिशन बैंक हाईजैक को अंजाम देते हैं। चल भाई चलो। हैंड्स अप 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 हैंड्स अप। हमारा तो पॉकेट हो गया। हाँ बहन ये तो हमारे प्लान में ही नहीं था। तू एक मिनट रुक गन ऊपर कर। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। ये बैंक हाईजैक हो चुका है। हमारे पास गन भी है। ये देखो असली गन है असली गन। अरे छिपकली पागल हो गई है क्या? सबको बता दे गन नकली है। अच्छा अभी बताती हूँ। बंद करके बिल्कुल चुप रहे। लेकिन आप हो कौन और क्या चाहते हो? हम गुल्लक गैंग के मेंबर हैं और ये बैंक लूटने आए हैं। जाओ जाके पापा को बुलाओ। पापा? इसका मतलब है कि बैंक के मैनेजर को बुलाओ। वो बैंक के मैनेजर है तो तुम्हारे पापा हुए ना सबके। बुलाओ फटाफट जल्दी आप जल्दी। रुको इन लोगों को कुछ मत करना। मैं ही हूँ इस बैंक का मैनेजर। क्या चाहिए तुम लोगों को? वो क्या है ना बाहर बहुत गर्मी थी तो हमने सोचा बैंक में जाके एक एक ग्लास मैंगो शेक पीते हुए चले। जाओ जाके एक एक ग्लास मैंगो शेक लाओ हमारे लिए। जाओ। अच्छा अभी लाया। ओए, ओए, क्या तमाशा बना रखा है? हम यहाँ बैंक लूटने आए हैं तो किसने इनको मैनेजर बना दिया? ए यू स्वीट गर्ल्स हू मेड हिम मैनेजर? हू? क्या यार पापा मेरा मतलब कि क्या मैनेजर साहब जहाँ जाते हैं बेइज्जती करवा देते हो। सुनो तुम लोगों को जो भी चाहिए ना मैं दे दूंगा लेकिन किसी को कुछ मत करना। सुनो अगर किसी ने भी ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करी या पुलिस को बुलाया तो ये गन असली है सीधा भेजे में जाएगी तुम्हारे मैनेजर के। अच्छा सुनो आओ मेरे साथ तुम्हें जो चाहिए मैं दे देता हूँ। एक मिनट तुम लोगों ने ये गन रुमाल में क्यों छुपा रखी है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, है? क्या मतलब? ओफो मैनेजर है पर आधा जाता कुछ नहीं है। गन के अंदर क्या होता है? गोली। गोली क्या होती है? जेंट्स या लेडीज? लेडीज। हमारे यहाँ लेडीज पर्दे में रहती है। आपको कोई दिक्कत है इससे? ठीक है ठीक है। आप लोगों को कितना पैसा चाहिए? 612 रुपए। 612? ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है। इसका मतलब है 612 से ऊपर जितने भी रुपए तुम्हारे पास है ना सब एक बैग में भर के हमें दे दो। ओ अच्छा लाओ अपना बैग दो। हाँ हाँ एक मिनट एजेंट छिपकली मैनेजर साहब को बैग दो। बैग तो आप लाने वाले थे। आप मैनेजर साहब को बैग दो। एक काम बोला था तुझसे पापा की अलमारी से बैग निकाल के ले आई हो। तुझसे एक काम भी नहीं होता क्या? सारे काम मैं करूं। सुबह मॉर्निंग में मोटर भी मैंने चलाई थी। कमाल है सुबह तो मोटर मैंने चलाई थी। मैं कल सुबह की बात कर रही हूँ पापा। पापा मैनेजर साहब आप बीच में पड़ो। एजेंट छिपकली लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक पापा को सब बता दूंगी। यार तूने सारे प्लान की ऐसी तैसी कर दी। तेरी तो पापा देख मैं कुत्ता मार रहा है। पापा तुम लोगों के पापा भी आए हुए हैं क्या? नहीं हमारा मतलब है तुम्हारे बैंक में कोई बैग है क्या? हाँ है तो। तो मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से उसमें पैसे डाल के दो। लेकिन रोबरी के ट्रेडिशन के हिसाब से तो बैग चोर लोग लाते हैं ना वरना आप शगुन माना जाता है। हम रिश्ते की बात करने हैं जो हमें ट्रेडिशन और शगुन सिखा रहे हो। फटाफट से बैग निकालो। एक काम करिए आप में से कोई एक जाकर मेरे केबिन से बैग ले आइए। एजेंट छिपकली जाइए और बैग लेकर आइए। एजेंट छचंदर तुम जाओ और तुम बैग लेकर आओ। जाना बैग लेके आ। तू जाना। अबे तू जा। यो तू जा। तू जा। तू जा। तू जा। तू जा। तू जा। ए चुप चुप चुप। उठा ना तू। बंद करो। जब से देख रहा हूँ क्या क्या लगा रखी है। पहली बार बैंक लूटने आए हो क्या? एंसर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये बैंक हाईजैक हो चुका है। अरे बॉस यहाँ का मैनेजर तो पहले ही किसी दूसरे गैंग के मेंबर्स को पीट रहा है। अब क्या करें? अबे हमारा काम है पैसा लेना। पैसा लेंगे निकल जाएंगे। ए, कौन हो तुम लोग? हम लोग यहाँ बैंक लूटने आए हैं। हाँ पूरे 528 रुपए हमारे हवाले कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। है? कोई 528 मांग रहा है कोई 612 मांग रहा है। तुम लोग घर से सोच कर आए थे क्या कितने लूटने हैं? इसका मतलब है बैंक में जितने भी पैसे हैं वो इस बैग में डाल के दे दो जल्दी। कुछ सीक्वेंस है। अपना बैग खुद लेकर आए हैं। बैंक लूटने आ गए खुद के सुलेजी तो बनते नहीं। माला खेरा, माला खेरा।
ये लोग है कौन? लेकिन मुझे लगता है ये सच में बैंक लूटने वाले चोर हैं। रुक मैं भी पता करता हूँ। कौन हो तुम लोग? कौन से गैंग से हो? हम है पिगी बैंक गैंग से। और तुम? हम लोग गुल्लक गैंग से हैं और ये बैंक हाईजैक ना हमारा है, तो तुम दोनों निकलो यहाँ से। चले अबे ओए, हमारे पास गन है तो ये हाईजैक हमारी हुई ना। चलो ए, गन तो हमारे पास भी है, वो भी असली। बॉस, इन्हें कैसे पता चल गया हमारे पास नकली गन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो यार तू चुप करना, मरवाएगा। सिर रख लो। ओए, क्या दोनों मियां बीवी की तरह खुशपुस कर रहे हो? ए, गन तो हमारी भी असली है, एक गोली से ना 6 लोग मारते इकट्ठे। अच्छा, चला के दिखाओ जरा इसको। हम क्यों चला के दिखाएं? हमने ऐसी गोली बेच नहीं करते, समझे? तुम चला के दिखाओ। नहीं नहीं, अभी 12 बजे हैं और हमारी गन का सोने का टाइम है, तो हम उसे परेशान नहीं कर सकते। लल्ला लल्ला लोरी, ओ सो रही है। हाँ तो हमारी गन का भी आज 16 सोमवार का व्रत है। खरबूजे की शक्ल के, चलो निकलो यहाँ से, वरना ना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। छोटू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, अदिति पकड़ी से। क्या तमाशा लगा रखा है? ये बैंक है चिड़ियाघरनी, छोटे बच्चे हो क्या? छोटे बच्चे नहीं, छोटी बच्ची होती है। पापा 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 पापा, पैसे लाओ नहीं तो गोली मार दूंगी। पैसे? अरे बैग खाली करके लाओ पहले, इसमें सारा खाने का सामान ठूस रखा है। अबे साले, तुझसे बिना खाए रहा नहीं जाता। अरे बॉस, मैंने सुना था बैंक के कामों में टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा खाने का नाश्ता ले आया था। थैंक यू। केला 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 केला, इसका मतलब इन दोनों की गन नकली है। शकल देख, कैसे सर्कस के जोकर लग रहे हैं। इतनी देर से तुम लोग ये केला दिखाकर डरा रहे थे, तुम्हारी तो। पंकज अदिति, तुम दोनों? पापा हमें नहीं पता था ये गुंडे असली बंदूक ले आए हैं। पापा हम तो बस अपने गुल्लक के पैसे लेने आए थे, हमें नहीं पता था ये असली के गुंडे बैंक हाईजैक करने आ जाएंगे। सॉरी। तुम लोगों को तो मैं घर जाकर देखूंगा, पहले ये बताओ इनसे कैसे बचे। पापा आइडिया। क्या? बोल दो महेश मेरे बच्चों। हाँ, अदिति तू जा। ओए ओए छोटू गैंग, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वो मेरे बॉस का ना मैथ थोड़ा वीक है, इसलिए बैंक में जितना भी कैश है ना सब ले आओ, हम घर जाके कैलकुलेटर से अपने आप काउंट कर लेंगे। साले पांचवी फेल, बैंक लूटने चले हैं। ओए, तूने मुझे पांचवी फेल बोला। कोलू आक्रमण। अरे ये लाइट कैसे चली गई? ए मैनेजर, लाइट ऑन कर, हमारे बॉस को अंधेरे से बहुत डर लगता है, अगर गलती से उनका बीच में सुसु निकल गया ना तो पेंट भी नहीं बदलने के लिए। अबे ओ, ये क्या बकवास कर रहा है? तेरे को कितनी बार बोला अंडरवर्ल्ड में मेरी बदनामी मत किया कर, चुप रह। सॉरी बॉस, सॉरी। भाई एक मिनट, ये लोग कहाँ गए? अरे यार कहाँ गए ये लोग? लाइट आ, तुम दोनों? बॉस हमारी गन। अब बताओ बच्चों, इन दोनों का क्या करना है? अरे पापा मैं तो कहता हूँ दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। बॉस ये लोग हमें पुलिस में दे देंगे, और मैंने तो अपना होमवर्क भी नहीं किया। होमवर्क? अबे साले तू जोर जोर से बोलते, सबको स्कीम में बता दे। अंकल जी माफ कर दो, आज के वाले ऐसा कभी नहीं करेंगे।
पापा आप नालायक की औलाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ बैंक लूटने आए हैं। मैंने तुझे 528 रुपए नहीं दिए पिज्जा खाने के, तो तू मेरा ही बैंक लूटने आ गया। और तुम दोनों गुल्लक के पैसे लेने बैंक तक चले आए। तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल मत भूलना, रेड वाला बटन दबाओ भाई, बिल्कुल फ्री है, करते क्यों नहीं हो, करो करो करो, सब्सक्राइब करो। बाय गाइस, लव यू मोटू। आगे सब्सक्राइब बोलने के लिए देखो, मोटू सब्सक्राइब बोल दे, सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो सब्सक्राइब। चलो बाय बाय।